इन दिनों महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी का एक बयान खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। बयान है मेंस्ट्रुअल लीव पर। दरअसल संसद में मेंस्ट्रुअल पेड लीव पर बोलते हुए स्मृति ईरानी यह बोल जाती हैं कि महिलाओं को मेंस्ट्रुअल पेड लीव विकलांग बना रहा है, महिलाओं को मेंस्ट्रुअल पेड लीव नहीं मिलना चाहिए और एक औरत होने के नाते मुझे ये लगता है कि महिलाओं को मेंस्ट्रुअल पेड लीव की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तब से लेकर अब तक स्मृति ईरानी का दिया हुआ यह बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। सदन से लेकर सड़क तक यहाँ पर इस विषय पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं झारखंड विधानसभा में और झारखंड विधानसभा में कई महिला विधायक हैं जिनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महिला एवं बाल कल्याण मंत्री के द्वारा दिए गए इस बयान पर उनकी क्या राय है, वह क्या मानती है, क्या महिलाओं को पीरियड्स पेड लीव मिलना चाहिए या फिर इस पर चर्चा बेकार है। स्मृति ईरानी का जो बयान आया है फीमेल्स को लेकर के, उसे क्या कहेंगी? नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। ठीक है, आप अब मेंस्ट्रुअल लीव को सिक लीव बोल दीजिए, तो सिक लीव तो आदमी भी बोलता है, आदमी तो नहीं बोल सकता है ना जी। तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए था औरतों के लिए, और एक बड़ी डिमांड है ये, और कहीं ना कहीं इसको देने के बाद ना एक जागरूकता जो है लोगों में आएगी। जिस तरीके की भ्रांति है, जिस तरीके से महिलाओं की इस समस्या को डील किया जाता है पुरुषों द्वारा, और मैं विशेष करके इसलिए बोल रही हूँ कि मैं उन क्षेत्रों की बात कर रही हूँ जहाँ इसको आज भी जो है एक टैबू माना जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं इससे सहमत नहीं हूँ जो उन्होंने कहा है, कतई सहमत नहीं हूँ। रानी जी ने संसद भवन में बहस करते हुए कहा कि पीरियड्स पेड लीव जो है उसकी महिलाओं को जरूरत नहीं है, ये किसी भी तरह से बाधा नहीं है महिलाओं को। देखिए, बीजेपी में जितने भी महिला सांसद बैठे हुए हैं उनका बयान आप कभी भी उठा के देख लीजिए, हमेशा इनसेंसिटिव बयान होता है। अब इस तरह से आप कह रही हैं, आप इतने अहम पद में हैं और वहाँ से आप ये बातें कहना कि पीरियड्स जो मेंस्ट्रुएशन पेड लीव होता है वो महिलाओं को नहीं देना चाहिए, ये महिलाओं को हैंडीकैप्ड कराने वाली चीज़ें हैं, आप इतना इनसेंसिटिव बयान दे रही हैं एक महिला होके। ये तो दिखाता है कि किस तरह से आइडियोलॉजिकली आप लोग भी मतलब ये महिलाएं जो इतने अहम पद में बैठी हुई हैं ये भी किस तरह से ब्रेन वॉश हो चुकी हैं कि आपको अन्य लोगों के लिए, अन्य जो किस तरह से महिलाओं को दिक्कत होती हैं। महिलाएँ केवल लोकसभा या विधानसभा में बैठ कर जॉब नहीं ना कर रही हैं, आप जैसी भी महिलाएँ हैं जो पत्रकार हैं, जो दर दर चाहे वो शाम का वक्त हो, दिन का वक्त हो, पानी हो, बरसात हो, आप फील्ड में रहती हैं, इस तरह से जॉब्स भी हैं महिलाओं के लिए। वैसे में महिलाओं को कैसे और ज़्यादा एम्पावरमेंट किया जाए वो तमाम चीज़ों के लिए सोचना चाहिए, मगर वो चीज़ों पे बात नहीं करके इस तरह के बयान आती है स्मृति ईरानी जी से, बिल्कुल ही इनसेंसिटिव है और बिल्कुल दिखाता है कि किस तरह के मानसिकता वो होल्ड करते हैं। वो महिलाओं को के लिए बाधक बन रही है, ये उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, वो हैंडीकैप बना रही है फीमेल्स को अगर उन्हें पेड लीव दी जा रही है। मैं स्मृति ईरानी जी को ना महिलाओं के दुख दर्द से कोई मतलब है नहीं। अभी देखिए बिहार के एक और बिहार नहीं यूपी के एक बीजेपी के विधायक को दोषी करार गया है, किया गया है पॉक्सो एक्ट को लेकर, और मुझे लगता है आज उन्हें सज़ा होगी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो महिलाएं थी वो सड़कों पर इतने दिन रहे, उन्हें महिलाओं के किसी परेशानी से कोई सरोकार नहीं, और मुझे समझ में नहीं आता कि कोई महिला खुद महिला होते हुए इन सब बातों को कैसे नहीं समझ पाती। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।